आप सभी का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में स्वागत है और आप सभी को जो कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी में लगे हुए हैं उन सभी को कुछ मदद मिले, मैं उसके लिए कुछ वीडियो बना देता हूं ताकि आपको आंसर राइटिंग में सफलता मिले। बेसिकली हम लोग पिछले क्लास में सप्लाई पे बात कर रहे थे और सप्लाई में आपको हम लॉ ऑफ सप्लाई पर डिस्कस किए थे। हालांकि लॉ ऑफ सप्लाई के बाद और भी है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, उस तरह का चीज़ आपको नहीं पूछा जाता, वो सब प्लस टू में जब रहते हैं तो पढ़ते हैं। वैसे उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्केट समझने के लिए जितने सारे हथियार की ज़रूरत है उस हथियार को हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो उसी में आज एक है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसके पहले का लेक्चर जब डिमांड हम डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग जो है इलास्टिसिटी डिमांड को काफ़ी डिटेल में आप लोग को बताए थे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो बेसिकली जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो जस्ट लाइक डिमांड की तरह ही है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, ताकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और उसके ग्राफ को हम देखेंगे तो परफेक्ट कंपटीशन में जो हम लोग प्राइस का डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे उसमें हमें काफ़ी मदद करेगी। क्योंकि अगर बिना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के कंसेप्ट का मार्केट आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मार्केट को समझने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे इकोनॉमिक टूल की ज़रूरत होती है, जिसमें मैंने सिखाया आपको प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट क्या है, डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, इलास्टिसिटी सप्लाई क्या है, फिर रेवेन्यू सीखेंगे, तब आपको जाके मार्केट का कंसेप्ट समझ में आएगा। चूँकि मार्केट ऐसा नहीं जो मार्केट पढ़ते हैं और समझ में आ गया, मार्केट का जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो सारा चीज़ अगर आपके पास जानकारी रहेगा तभी मार्केट पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है परफेक्ट कंपटीशन हो या मोनोपोली हो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो या फिर ओलिगोपोली हो, हर जगह आपको इलास्टिसिटी का कंसेप्ट मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज सीखेंगे, आज के क्लासेज में बहुत ही सिंपल है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्लियर, इसको कहते हैं पूर्ति की लोच। जैसा कि आप जानते हैं जब हम आपको इलास्टिसिटी पढ़ाए तो फिर से बताते हैं, इलास्टिसिटी का मतलब होता है वैसे रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब यहाँ पे क्या होगा रिस्पॉन्सिवनेस, प्रोड्यूसर का क्या रिस्पॉन्स होगा यदि आपका मूल्य में परिवर्तन हो गया, या इलास्टिसिटी का मतलब सिंपल चेंज, चेंज का मतलब क्या परिवर्तन। जिस तरह से हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई पढ़े थे तो लॉ ऑफ सप्लाई में हम लोग ये बात किए थे कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड, सॉरी सप्लाई बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा ये हम डिस्कस नहीं किए थे। ये कितना बढ़ेगा प्राइस में, अगर चेंज 10% से होगा तो सप्लाई में कितना परिवर्तन होगा, इसका डिस्कशन हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में करेंगे। इलास्टिसिटी कंसेप्ट को समझने के लिए आपका हमारा इलास्टिसिटी और डिमांड पे एक लेक्चर बना हुआ है, उसको समझ लीजिए तो ज़्यादा तरीके से समझ में आपको आएगा। ठीक है, डैट मीन्स इलास्टिसिटी का मतलब परिवर्तन, किस में परिवर्तन, तो आपका सेल में परिवर्तन। प्राइस में चेंज होगा तो सेल में क्या परिवर्तन होगा, इसका अध्ययन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। हालांकि सप्लाई जब पढ़े थे तो भी हम बताए थे, लेकिन वो था हमका क्वालिटेटिव एनालिसिस, प्राइस ऑफ सप्लाई में क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते थे थ्योरी ऑफ सप्लाई या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे प्राइस और सप्लाई में, और इसके कुछ ग्राफ को समझेंगे। चूँकि इसमें बहुत डिटेल हमको नहीं करना है, जितना हमारी ज़रूरत है एग्जामिनेशन में लिखने के लिए उतना ही हम आपको बताएंगे, उससे ज़्यादा ज़रूरत आपको पढ़ने की नहीं है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए और अच्छा आपको लिखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, शुरू से हम बताएंगे। लिखिए मीनिंग्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच का अर्थ, पूर्ति की लोच का अर्थ, पूर्ति की लोच का अर्थ। देखिए होता क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ना, इज रेशियो
ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हिंदी में लिखिए पूर्ति की लोच, है ना, पूर्ति की लोच सप्लाई एंड पूर्ति की लोच, पूर्ति या ऐसे लिखो पूर्ति की लोच की वो ऐसे लिखिए वस्तु, है ना, वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन तथा वस्तु के मूल्य में प्रतिशत, प्रतिशत है ना, परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है या अनुपात होता है। नोट कर लिए। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग देख सकते हैं ई एस, सॉरी यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं ई एस। चलिए आगे बताते हैं, इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं। नोट कर लीजिए पूर्ति की लोच वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन तथा वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ई एस। ई एस मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, है ना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड में निगेटिव रिलेशन था लेकिन यहाँ दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, तो कोई आपका साइन आपका नहीं है, मतलब दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब चलिए हम इसको थोड़ा सा इस पर एक फार्मूला जो है डिराइव कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे कि मान लिया ये आपका सप्लाई शेड्यूल है, है ना, ये आपका सप्लाई शेड्यूल है। जैसे कि यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई है, बहुत ही सिंपल है। तो मान लिया हम प्राइस 10 है तो सप्लाई 20 है, और जब प्राइस 20 होगा तो सप्लाई 40 हो गया, मतलब हायर दी प्राइस हायर सप्लाई, लोअर दी प्राइस लोअर सप्लाई। तो ज़रा देखिए, तो क्या देखिएगा, ऐसे साइड में लिखते हैं ई एस इक्वल टू होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ ए आपका पी है, ए आपका पी वन है, ए आपका क्यू है, ए आपका क्यू वन है, हम पहले भी बता चुके थे। तो देखिए अगर हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई लिखना है तो परसेंटेज चेंज कैसे लिखिएगा, परसेंटेज चेंज लिखने के लिए अगर हमें लिखना हो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, तो परसेंटेज चेंज कैसे लिखेंगे, परसेंटेज चेंज लिखने के लिए हम लोग करते हैं यूज, देखिए Q1 माइनस क्यू बाई क्यू इन 200 पहले ही बताए थे, और Q1 माइनस क्यू को डेल्टा Q कहते हैं, डेल्टा मतलब यहाँ पर चेंज, चेंज किस में, तो इसको आप इस तरीके से यहाँ लिखिए, इसके जगह पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई की जगह क्या लिखिएगा, Q1 माइनस क्यू बाई क्यू इन 200, ये ऊपर वाले जगह पर लिखे। अब जब नीचे वाले जगह पर क्या लिखिएगा, उसी तरीके से ये नोट कर लिए अगर, है ना। चलिए जगह का थोड़ा अभाव है तो मैं इसको हटा देता हूँ। उसी तरीके से लिखना हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो क्या हो जाएगा, P1 माइनस पी बाई पी इन 200, जहाँ पर P1 माइनस पी को डेल्टा पी कहते हैं, हम पहले ही बताए हैं।
तो लिख लीजिए पी वन माइनस पी बाई पी इंटू 100 हो गया। ऐसे अगर और लिखना आ गई तो पी का मतलब ओल्ड प्राइस, पी वन का मतलब न्यू प्राइस, क्यू का मतलब ओल्ड डिमांड, क्यू वन का मतलब नया डिमांड। तो परसेंटेज बहुत सिंपल इस तरह से हम लोग निकालते हैं आम लाइफ में। अब ये कट गया तो क्या बचेगा, देखिए जब ये कटेगा तो सिंपलीफाई कीजिए। देखिए हाँ, इसको लिखेंगे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी बाई पी, क्लियर। अब इसको सिंपलीफाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू बाई क्यू डिवीजन कर दीजिए डेल्टा पी वाई पी, यानी फाइनली डेल्टा क्यू वाई डेल्टा पी और पी वाई क्यू लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। चलिए इसको एक स्टेप और तोड़ देते हैं, दिक्कत हो रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखें, डेल्टा क्यू वाई क्यू इंटू कर दीजिए, पी ऊपर चला जाएगा डेल्टा पी नीचे आ जाएगा, है ना। यानी फाइनली आपका हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई क्यू, है ना, डेल्टा क्यू एंड ई। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए पी और पी वाई क्यू कर दीजिए, यही आपका हो गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, ये आपका हो गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नोट कीजिए, दिक्कत है तो बोलिए नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हो गया, यानी कि आपको फाइनली क्या मिल के आया कि जो ES है हमारा है, ES हमारा है डेल्टा क्यू वाई डेल्टा पी और पी वाई क्यू, ये आपका है। अब जैसे कि बहुत एक सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि अगर मान लिया कि यहाँ टेबल देखिए, एक टेबल है, ये सप्लाई शेड्यूल है, तो P है यहाँ QS है, तो 10 है तो 20 है, मैंने 20 कहा था तो ये 40 हो जाएगा। तो अगर निकालना है कि बताइए कि इसका इलास्टिसिटी क्या होगा, तो जैसे इसके पहले जैसे हम डिमांड पढ़े थे, डिमांड का लेक्चर पक्का देख लीजिएगा इलास्टिसिटी डिमांड का, उसमें हम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताए थे, यहाँ पर भी डिग्री बताएंगे। डिग्री का मतलब श्रेणी होता है, है ना, डिग्री का मतलब श्रेणी है। चलिए पहले इसको बता देता हूँ उसके बाद मैं इसको बताऊँगा, लिख लीजिए साइड में, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लिखिए डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच की श्रेणियाँ, इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ति की लोच की श्रेणियाँ, पूर्ति की लोच की श्रेणियाँ, पूर्ति की लोच की श्रेणियाँ, ठीक है, पूर्ति की लोच की श्रेणियाँ। तो इसमें है अगर मान लें ES का वैल्यू या तो 1 आएगा, या दूसरा है ES का वैल्यू या मोर देन 1 आएगा, तीसरा है ES का वैल्यू क्या आएगा लेस देन 1 आएगा, या फोर्थ नंबर है ES का वैल्यू 0 आएगा, या फाइव नंबर है ES का वैल्यू इन्फिनिटी आएगा। अगर 1 आएगा तो याद कीजिए इसे हम क्या बोले थे, इसे बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यानी कि पूर्ति की इकाई लोच, पूर्ति की इकाई लोच या इकाई पूर्ति की लोच, या इसे कहेंगे मोर इलास्टिक, क्या कहेंगे मोर इलास्टिक, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे लेस इलास्टिक, क्या कहेंगे लेस इलास्टिक, इसे कहेंगे मोर इलास्टिक मतलब अधिक लोचदार पूर्ति, कम लोचदार पूर्ति, है ना, परफेक्टली परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, पूर्णता बेलोचदार पूर्ति, सबका मतलब बताएंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको बोलते हैं परफेक्टली परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, पूर्ण लोचदार पूर्ति, पूर्ण लोचदार पूर्ति, यानी कि आपका डिग्री है। इसी तरह का डिमांड भी बताए थे, डिमांड में काफ़ी डिटेल में पढ़े थे, उतना ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इसको हम ब्रीफली 500 डिग्री है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्या करेंगे हम बता देंगे, ठीक है।
जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है कि भाई पूर्ति का लोज क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए एक्चुअली है ना कि जब आप नेटवर्क के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तीसरा का क्वेश्चन या आगे हायर स्टडीज में इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, डी क्यू वाई डी पी और पी वाई क्यू, है ना। लेकिन उतना ज़रूरत हमको यहाँ पर नहीं है, उतना ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं है। उस तरह से भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, हम सिखाए भी थे पहले बनाने के लिए, आगे फिर सिखाएंगे अगर ज़रूरत होगा तो, लेकिन उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है तो इसको हटा देते हैं। अब जैसे ज्ञात करना है तो देखिए, ये आपका P है, ये आपका P1 है, ये आपका Q है, ये आपका Q1 है, क्लियर। ES निकालना है तो Q1 माइनस Q, P1 माइनस P और पी वाई क्यू लिख सकते हैं ना, क्लियर लिख सकते हैं। तो Q1 कितना है, देखिए हमारा है 40 माइनस 20, यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 10, P कितना है 10, Q कितना है 20, कट गया, यानी कि बचेगा 20 बटा 10, 1 बाई 2, 10 दूना 20, कट गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी ES का वैल्यू कितना आया, 1 आया, मतलब ये यूनिट्री इलास्टिक सप्लाई होगा, कैसा होगा, यूनिट्री इलास्टिक सप्लाई होगा, क्लियर, यूनिट्री इलास्टिक सप्लाई होगा। या यदि मान लिया आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि बताइए कि 10% चेंज इन प्राइस, या ऐसे लिखो, चलो 10% ऐसे लिखो, 10% राइज इन प्राइस लीड्स टू 10% इंक्रीज इन डिमांड। कहने का मतलब है अगर 10% से प्राइस बढ़ता है ना, और 10% से सप्लाई भी बढ़ता है, सॉरी इंक्रीज इन सप्लाई होगा इंक्रीज इन सप्लाई, तो अगर इस तरह से रहेगा तो सिंपल निकाल लीजिएगा, ES इक्वल टू क्या बताए थे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो हमारा 10 है और क्या है, फिर 10 है, कितना होगा, 1 होगा। अगर होता 20% है ना, 20% सप्लाई बढ़ता है तो 20/10 होता, 2 होता। तीस तरह से सिंपल आप देख सकते हैं, क्योंकि जब आप मेंस की तैयारी करते थे, मान के चलिए रिजल्ट होना ही है लेट सवेर, तो आपको इंटरव्यू की भी तैयारी साथ साथ करनी चाहिए या जब आप लिखते हैं तो थोड़ा सा अगर एनालिटिकल पावर आपके पास है, सोचने की शक्ति है, तो आपका जो आंसर राइटिंग का होगा सुंदर हो जाएगा। इसका भी एक लेक्चर मैं और बताऊँगा नेक्स्ट क्लासेज में, उसको अवश्य देखिएगा, जब वो देखिएगा तभी आपके आपको मार्केट समझ में आएगा। आज यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं, थैंक यू।